हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। चैनल का नाम है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सी आपको हेल्प मिलती रहती है हमेशा। आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम हो चुके हैं, उन स्टेट से मैंने बच्चे से मेल से मंगवाया है क्वेश्चन पेपर। तो उस बच्चे ने भेज दिया, उसका बहुत ही धन्यवाद कि भेज दिया, जिससे आप लोगों की बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ, किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार आ रहे हैं, जो कि न्यू सिलेबस है 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे चैनल पे। और अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, हमारा एग्जाम आने वाला है, हमारा एग्जाम आ गया है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिला अगर आपको पढ़ाई का टाइम, या कोई और कोर्स या कुछ और की तैयारी कर रहे थे, तो अगर आपको टाइम नहीं मिला है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पेपर 2023 का आया हुआ है वही डिस्कस करूंगी, तो आपके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल तो रहेगा ही ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो बेस्ट वाला, तो उसके पास जरूर शेयर कर देना। बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है। और मैं आप लोगों को एकदम भाई बहन की तरह पढ़ाती हूँ, कोई टीचर की तरह नहीं कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमेशा आपकी बड़ी दी की तरह एकदम हमेशा साथ हो। और अगर कोई भी डाउट रहना है तो कमेंट ना, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, और ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस का है। और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बताना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में ड्रॉ करिए, लिखिए बार बार, ओके। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि ये औषधियाँ सूजन और सूजन में होने वाले दर्द का निवारण है, पेन राइजिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब किसी गर्म चीज से, ठीक, पेन होता है, सूजन हो जाती है, तो इसके लिए ये निवारण करता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अब इन औषधियों में तापनाशक तथा दर्द निवारक गुण होता है। तापनाशक, जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेटरी की कुछ गर्म या हाँ गर्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से रिलेटेड ही होता है, तो एंटीपायरेटिक एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स का मतलब ही होता है टेम्परेचर इन विच हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होगा, तो क्या हो जाता है, ये औषधियाँ उनमें काम करती हैं, क्योंकि उससे हाई टेम्परेचर से सूजन दर्द होने लगता है मांसपेशियों में, तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। सामान्यतः इन लक्षणों की रोकथाम के लिए ग्लूकोकॉर्टाइड औषधियाँ जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन तथा टीजोन औषधि उपयोग में ली जाती है, परंतु ये औषधियाँ शरीर में दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, जो ये हाइड्रोक्रोटासाइन एंड कोर्टिसाइन जो है वो साइड इफेक्ट उत्पन्न करती है, इसलिए इनको ज्यादातर मनाही रहती है, रोक रहता है कि इसे ज्यादातर कोई ना ले। जबकि स्टेरॉयड रहित जो नॉन स्टेरॉयडल है, ये स्टेरॉयडल है इसलिए साइड इफेक्ट करती है, इसलिए नॉन स्टेरॉयडल जो होती है वो नाशक औषधियाँ साइड इफेक्ट कम करती है, नहीं करती है, तो इसलिए ये लिया जाता है सूजन वगैरह में, ठीक है। दुष्प्रभाव, उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं गंभीर नहीं होते हैं। तो इन औषधियों का प्रयोग कहाँ लिया जाता है, आर्टरीज कंडीशन में लिया जाता है, आर्टरीज मतलब जोड़ों की सूजन में, ठीक है, जोड़ होता है, आर्टरीज का मतलब मीन्स ही होता है कि जोड़ों से संबंधित, और गठिया मतलब फ्यूमेटिस, लुपिस, इरिथमेटस में, तथा एंकिलाइजिंग स्पोइडलाइटिस, ठीक, जैसे रोगों में औषधि का प्रभाव ओपाइड एनालिसिस की तुलना में कम होता है। अब स्टेरॉयड रहित जो नॉन स्टेरॉयडल
हैं औषधियाँ, उनके रासायनिक जो स्ट्रक्चर है और उनकी जो प्रोसेस है, क्रियाविधि है, प्रोसेस ना एक्टिविटीज हैं, उनके आधार पर इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट सैलिसिलाइट, जैसे एस्पिरिन एंड सैलिसिलेट, ये सैलिसिलाइट्स का एग्जांपल्स हैं, एस्पिरिन एंड सैलिसिलेट। सेकंड, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इंडोमिथासिन एंड डाइक्लोफेनाक टोलमेटिन। एंड थर्ड, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होते हैं, इबोफोफेन एंड ऑक्साप्रोजीन एंड लोक्साप्रोफेन। फोर्थ, फिनेमिक एसिड। फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव, मेफिनेमिक एसिड, मैक्लोटेनामिक एसिड, ठीक। एंड फिफ्थ, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो इसको सेपरेट तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है, सल्फोनामाइड्स, इमिसुलेट्स, ओके। सिक्स, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पायरोक्सिकैम, डोक्सिकैम, पायरोक्सिकैम, ऑक्सिकैम, डोक्सिकैम, ऐसे। तो मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, इसको देखिए, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पायरोक्सिकैम, ऑक्सिकैम एंड डोक्सिकैम, ठीक। इंडोमिथासिन, ये है स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बताने चाह रहे हैं, जिसको मैंने खुद ब खुद ड्रॉ किया। तो ज्यादा से ज्यादा बार आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको लर्न हो जाएगा, ठीक। अब इसको हटाते और देखते हैं इसको। ये CH3O मतलब एसीटोन वाला ग्रुप, एंड बेंजीन, पेंटाबेंजीन, इथोइक एसिड वाला, ठीक, मिथाइल CH3 एंड CO, और फिर उसके बाद बेंजिलो बेंजिल वाला सी क्लोराइड लग के बेंजीन को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बनता है। अब इसका देखते हैं ट्रेड नेम। ट्रेड नेम है इनासिन, इंडोसाइड एंड इंडासिन एंड एमिनो। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो अपीयरेंस है, ठीक, अपीयरेंस को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सफेद या अथवा पीले रंग का गंधहीन है, मतलब कि फेवरलेस है, ठीक। इसकी जो स्मेल है वो नहीं आती है। तो ये व्हाइट होता है और येलो कलर का होता है, ठीक। क्रिस्टलिन पाउडर है। इसके पॉलीमॉर्फिक यौगिक, पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 155 डिग्री से 162 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब रासायनिक गुण इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन करता है, जिसमें जैसे कि वाटर में पड़ा तो क्या रिएक्शन किया, क्या नया चेंजमेंट हुआ, तो उसे केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब यह जल में अघुलनशील, इनसॉल्यूबल तथा ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहल में यह सॉल्यूबल होती है। यह उदासीन तथा लाइट माध्यम से हल्के माध्यम में स्थिर है। यह एवं कंसेंट्रेटेड अल्काली है तथा लाइट मिस के संपर्क में आने पर यह डिकम्पोज हो जाता है। और लाइट के संपर्क में अगर ये जाता है ये वाला, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। अब इसके यूजेस क्या है, ये इसके यूजेस, ये गठिया के उपचार में यूज किया जाता, मतलब आर्टरीज, जोड़ों से जो रिलेटेड होता है, जैसे गठिया हो गया, उसके उपचार में ये यूज होता है। स्पॉन्डिलाइट के उपचार में यूज होता है, स्पॉन्डिलाइट, ठीक। एंड नेक्स्ट, ऑस्टियो आर्थरीज। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी से रिलेटेड होता है ना, तो इस आर्टरीज से जो हड्डी के जोड़ होते हैं उनके उपचार के लिए होता है। फिर उसके बाद गाउटी आर्टरीज के उपचार में होता है। इस औषधि का सेवन बच्चों, महिलाओं, इवन जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा पेट के रोगियों के लिए यह मना होता है। ये जो इंडोमिथासिन है, ये इन बच्चों, प्रेगनेंसी महिलाओं, प्रेग्नेंट महिला को, और जो स्तनपान कराती हैं बच्चों को, और पेट के जो जिनका पेट खराब होता है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको और ज्यादा डिस इफेक्ट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसको नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो।
तो फिर यही वीडियो एंड करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करिए, पढ़िए और आपको लर्न हो जाएगा।